हेलो जीनियस, आपने हमारे पिछले वीडियो में एलन ट्यूरिंग के बारे में सुना। जी हाँ, हम इसी वॉर हीरो की बात कर रहे हैं, एलन मैथिसन ट्यूरिंग। एलन एक मैथमेटिशियन, थियोरेटिकल बायोलॉजिस्ट और एक फिलोसोफर भी थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की जॉब करते थे। वो समय था वर्ल्ड वॉर टू का, जब सारे देश जर्मनी की अब तक की अनब्रेकेबल मशीन एनिग्मा को ब्रेक करने की कोशिश में थे। अगर जर्मन मिलिट्री के सीक्रेट मैसेजेस को डिक्रिप्ट कर लिया जाता तो ये वॉर के लिए निर्णायक साबित हो सकता था। इसी कोशिश में ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक सीक्रेट मिशन स्टार्ट किया, जिसको नाम दिया गया अल्ट्रा। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें लॉजिक एक्सपर्ट्स और मैथमेटिशियंस जर्मनी के सीक्रेट मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने का काम करते थे। ये मिशन ब्रिटेन के गवर्नमेंट कोड एंड साइफर स्कूल यानी GCNCS में चल रहा था, जो कि ब्लेचली पार्क में सिचुएटेड था। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपने देश के सबसे स्मार्ट ब्रेन्स को रिक्रूट किया, जिसमें से एक नाम था एलन ट्यूरिंग। ट्यूरिंग के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो था एनिग्मा की बिलियन इंक्रिप्शन पॉसिबिलिटीज को डिक्रिप्ट करना, और ये पॉसिबल हो पाया उनकी बनाई हुई उस मशीन से जिसका नाम था बॉम्ब। बॉम्ब मशीन ईयर 1939 में बनी। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जो एक साथ कई एनिग्मा मशीन्स के एक्शन को रेप्लिकेट करती थी। आपको बता दूं, सिर्फ इस अकेली मशीन से जर्मन मैसेजेस डिक्रिप्ट कर पाना कभी पॉसिबल ना हो पाता। ये पॉसिबल हुआ तो बस जर्मनी की एक ऐसी आदत से जिसपे सिर्फ एलन ट्यूरिंग ने ही ध्यान दिया, और वो आदत थी वो दो वर्ड्स जो जर्मन्स अपने हर मैसेज के लास्ट में लिखते थे, और वो वर्ड्स थे हेल हिटलर। जिन वर्ड्स ने जर्मनी को पावरफुल बनाया था, वही वर्ड्स उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बने। एलन ट्यूरिंग ने इन्हीं वर्ड को यूज करके एनिग्मा की पॉसिबल कॉम्बिनेशन को तोड़ा और जर्मन मैसेजेस को डिक्रिप्ट किया, जिसने पूरे वॉर को बदल के रख दिया। जर्मनी की कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन अब सीक्रेट नहीं थी। बॉम्ब की हेल्प से जर्मनी के कई अटैक्स को रोका गया। इसके अगले ही साल ब्रिटेन ने बॉम्ब के डॉक्यूमेंट्स अमेरिका को भेज दिए, जिसकी हेल्प से अमेरिका ने अपनी खुद की बॉम्ब मशीन बनाई। बॉम्ब मशीन की वजह से ही कुछ सालों में वर्ल्ड वॉर टू का एंड हुआ। क्या आपने कभी सोचा था कि एक मैथमेटिशियन एक वॉर हीरो बन सकता है? चलिए अब उनकी लाइफ के बारे में आपको कुछ और भी बताते हैं। एलन ट्यूरिंग ने अपनी लाइफ में और कई अचीवमेंट्स हासिल किए। 1951 में एलन ने अपनी मास्टरपीस द केमिकल बेसिस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस बुक को पब्लिश किया, और 1948 में ब्रिटिश ओलंपिक टीम ने एज अ मैराथन रनर के लिए भी ट्राई किया, जिसमें वो एक इंजरी की वजह से अनसक्सेसफुल रहे। ट्यूरिंग का ट्राई आउट टाइम ब्रिटेन के सिल्वर मेडलिस्ट थॉमस रिचर्ड से बस 11 मिनट स्लोअर था, जो एक मैथमेटिशियन और प्रोफेसर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ट्यूरिंग ने जॉन क्लार्क से शादी की, जो उनकी फेलो मैथमेटिशियन थी और उनके साथ अल्ट्रा मिशन में भी काम कर चुकी थी, पर इनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चली। ट्यूरिंग एक होमोसेक्सुअल थे, जिसे उन्होंने अपनी वाइफ के सामने एडमिट किया और शादी को तोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने एक 19 साल के लड़के आर्नल्ड मूरे के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट की। ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस वक्त होमोसेक्सुअल एक्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, और इस रिलेशनशिप की वजह से ट्यूरिंग के ऊपर क्रिमिनल ट्रायल्स हुए, जिसमें उन्हें दो चॉइस दी गई, प्रिजन या हार्मोनल ट्रीटमेंट। ट्यूरिंग ने ट्रीटमेंट को चुना। इस ट्रीटमेंट ने उनकी लाइफ में बहुत बुरा असर डाला। उन्हें होमोसेक्सुअल होने की वजह से उनके काम से भी निकाल दिया गया था। इन इवेंट्स की वजह से ट्यूरिंग मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे, और उनके इस मेंटल प्रेशर ने उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर किया। वो दिन था 8 जून 1954, जब ट्यूरिंग का हाउसकीपर उनके रूम में गया तो उसने देखा कि एलन ट्यूरिंग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उनकी बॉडी जहां पाई गई, वहां एक हाफ बिटन
एप्पल था। पोस्टमार्टम में पाया गया कि उनकी मौत साइनाइड की वजह से हुई। ये माना गया कि ट्यूरिंग ने वो साइनाइड उस एप्पल के थ्रू ही लिया। वर्ल्ड वॉर टू का वो हीरो जिसने ना जाने कितनी जानें बचाई, वो एक छोटी सोच के सामने अपनी जान गंवा बैठा। होमोसेक्सुअलिटी ब्रिटेन में इस वक्त एक लीगल एक्ट है। अगर ये दुनिया की सोच कुछ साल पहले बदल जाती तो शायद एलन ट्यूरिंग अपनी जिंदगी खुशी से जी पाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसी ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।